वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी इस साल ICSE 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि आपका अब जो ICSE क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो कुछ ना कुछ चेंज हो चुका है, उसमें कुछ एक मेजर चेंजेस किए गए हैं, आपको कुछ एक नए टाइप्स के क्वेश्चन अब आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है कि आखिर वो नया टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और कुछ एक क्वेश्चंस का कह लो कुछ एक क्वेश्चन का फॉर्मेट या फिर क्वेश्चन बैंक जो आपका ICSE बोर्ड ने अब बच्चों के लिए रिलीज किया है उसके बारे में इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखो आपका जो एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है वो एज इट इज़ सेम है, जो पिछले साल पेपर पैटर्न था वही इस साल भी पेपर पैटर्न है, बट कुछ एक क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, कुछ एक स्पेशल टाइप के या फिर कह लें कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐड किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं पूछा गया। ये पहली बार ऐसा है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ एक नए टाइप्स के क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं, जिनको ICSE बोर्ड ने क्या बोला है, CBQ टाइप के क्वेश्चन, CBQs यानी केस बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपका सब्जेक्ट टेस्ट कह लो लिया जाता है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कितना नॉलेज है, कितना डिटेल में नॉलेज है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसमें कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हमारे केस्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपके लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल लर्निंग या फिर कह लो जो भी आपका क्रिटिकल नॉलेज एंड आपका इस क्वेश्चन से एनालिटिकल नॉलेज चेक किया जाता है कि आपके पास आप कितना सोच पा रहे हो, आप अपने पर्टिकुलर चैप्टर को कितना समझे हो। ठीक है, तो ये जो हमारा CBQ क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड में पहले से इंट्रोड्यूस है, CBSE के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं पिछले 3-4 सालों से, ICSE बोर्ड पहली बार ऐसा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सभी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ICSE बोर्ड ने अब बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक कह लो लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का CBQ क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुछ एक सैंपल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं कि आखिर CBQ क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। यह जो क्वेश्चन बैंक है ICSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक 4 या 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आ चुका है। इस वीडियो में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक दिखाने वाला हूँ कि आखिर वो कैसा है, और इसके साथ ही इस वीडियो के लिंक में मैं आपको उस क्वेश्चन बैंक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो जाकर के इस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करके काफ़ी डिटेल में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन बैंक को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन बैंक है देखो ये कुछ ऐसा देखो यही आपका ICSE का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है जो ICSE बोर्ड ने रिलीज़ किया है। ठीक है, आप बच्चों के लिए क्या इसमें लिखा गया, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ICSE क्लास 10th। ठीक है, देखो ये पूरा फिजिक्स का है, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स का दिया गया है। ठीक है, ये देखो आपका इसमें बताया ही जा रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, और आंसर की आपका पेज नंबर 38 पे है। तो यह आपका पूरा कह लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला आपका ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है। इसको आप डाउनलोड करके सही से पढ़ें क्योंकि बिल्कुल ये नया है आप सही बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करो, कैसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कैसे हमें उनका आंसर देना है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको इसमें बताया गया, काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके या तो अपने पास PDF फॉर्म में सेव रखें या फिर आप चाहें तो इसका फोटो स्टेट करा के आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इससे आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या डायग्राम बना के दे दिया, फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फिर देखो ये इस टाइप के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बकायदा लास्ट में यानी कि वीडियो इस PDF के एंड में आपको इनका आंसर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपको इनका इन क्वेश्चंस का आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लें, इसका PDF फॉर्म अपने पास सेव रख लें या फिर इसका फोटो स्टेट करा के
इस क्वेश्चन बैंक से अपनी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।